रंगदारी मांगने वाले कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी हुई है हथियार और गोली के साथ में। इस अपराधी का नाम है सोनू सिंह, ये बलिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके ऊपर पहले से 4 केसेस जो कि रंगदारी मांगने से जुड़े हुए एक्सटॉर्शन से और आर्म्स एक्ट के केसेस दर्ज हैं। 6 महीने पहले ये जेल से छूटा है। ये कई केसेस में वांटेड था। SHO बलिया अपनी टीम के साथ इसकी लगातार तलाशी कर रहे थे। कल गुप्त रूप से सूचना मिली, टीम गई वहां पे और इसको रंगे हाथों हथियार और गोली के साथ में इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल मिली है और 5 चिंदा कारतूस मिले हैं। तो निश्चित इसकी गिरफ्तारी से वहां जो घटनाएं ये कर सकता था उसमें अंकुश लग गया है और 4 केसेस जिसमें ये वांटेड चल रहा था उसमें भी इसकी गिरफ्तारी हो गई है। पहले से इसका अपराधी के इतिहास है। 4 केसेस में बलिया में एक रंगदारी का केस इस पे है जिसमें रंगदारी मांगने के दौरान इसने गोली भी चला दी थी, उस आदमी की बाल जान बच गई थी। इसके अलावा बलिया में पहले से एक आर्म्स एक्ट का केस है, उससे पहले 2013 में इस पे एक केस है, 2012 में भी एक रेप का भी केस इस पे दर्ज है। तो बलिया थाना क्षेत्र में ही कुल मिला के 4 केसेस जो कि रंगदारी से और आर्म्स एक्ट से जुड़े थे इसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसके बारे में यह था कि ये क्षेत्र में कहीं भी किसी भी गोली चला देता था, तो इसकी गिरफ्तारी से वहां क्षेत्र के लोगों में एक राहत की सांस ली है और ये वहां का एक कुख्यात अपराधी था, तो इसकी गिरफ्तारी एक अच्छा काम हुआ है। मैं भी अपनी तरफ से टीम को पुरस्कृत करूंगा। कहां से गिरफ्तारी हुई है, कितने लोग इस टीम में शामिल? इस टीम में थानाध्यक्ष थे, उनकी पूरी टीम थी। जिले में मद्य निषेध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 6 एंटी लिकर टास्क फोर्स बनाई गई है, उनको गाड़ी भी दी गई है। आज मेरे द्वारा पुलिस लाइन में एक ब्रीफिंग सेशन रखा गया था। इन 6 टीमों को इनके थाना क्षेत्र में जो शराब के केसेस में फरार अपराधी है उनकी सूची दे दी गई है। अब ये लोग अपने क्षेत्रों में जाके लगातार छापेमारी करेंगे और इन शराब में जो वांछित अभियुक्त हैं, जो भी लोग पीने पिलाने के काम में लगे हैं, उनकी गिरफ्तारी करेंगे। इसमें इनको थाना भी सहयोग करेगा और इसकी मॉनिटरिंग SDPO प्रतिदिन करेंगे। दूसरी चीज है कि जिले में जो जघन्य अपराध में जो फरार अपराधी हैं उनकी जल्दी गिरफ्तारी के लिए एक कंपनी का गठन किया गया है। इसमें 60 सिपाही हैं, अधिकारी हैं और इसको एक बड़ी वाहन उपलब्ध करा दी गई है। हमने जो बड़े अपराधी थे उनकी एक सूची बना के आज इन लोग को दे दी है। कल से ये हमारी एंटी लीगल टास्क फोर्स और वज्रा की टीम फुल स्पीड से अपना काम करेंगी और डेली मैंने आदेश दिया है कि जितने भी फरार अपराधी हैं सबको जल्दी गिरफ्तार करें। जिले में अपराध नियंत्रण के लिए हम लोग लगातार जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स है वहां वाहन चेकिंग करवा रहे हैं। इसके अलावा बहुत से अपराधी हथियार लेके मोटरसाइकिल पे जाते हुए लूटपाट करते हुए पहले हमने देखा है, उनकी रोकथाम के लिए ये कड़ाई से एंटी क्रिमिनल पर्पस से हम लोग व्हीकल चेकिंग करा रहे हैं। साथ में कई ऐसी गाड़ियां भी मिली जिन पे नंबर प्लेट नहीं था या फिर जो राइडर थे वो बिना हेलमेट के थे, तो उनकी गाड़ियों को भी थाने पे ले जाया गया है और उनपे मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत चालान भी किया जाएगा। उस तस्कर को भी आपने सूचना मिली थी कि वहां पे कुछ दुकान है जो कटघरे वाली दुकान होती है, वो लोग गांजा बेचते हैं, तो इसी के सत्यापन के लिए आसपास वहां चेकिंग कराई गई। तो 2 ऐसी दुकानें थे जहां पे कि गांजा बेचते हुए काउंटर पे जो बैठा आदमी था वो पाया गया, गांजा वहां से जब्त किया गया है। ऐसी दुकानों को सील किया जा रहा है और जो भी ऐसे लोग इन कामों में लगे हैं सबको गिरफ्तार करके जेल में जा रहा है। कितना गांजा बरामद किया? गांजा था वो करीब 50-60 ग्राम के करीब था। कितना